जा रहे हैं वही रहस्यमय सुरंग देखने के लिए। मैंने आपको कुआं दिखाया था, वहाँ का वीडियो बनाते हैं कि यही रहस्यमय वो सुरंग है, तो वो नहीं है। असली गेट यहाँ पे है और ये सुरंग का गेट है, और यहाँ से ये सुरंग दिल्ली तक गई थी। काफ़ी लोग इसके अंदर गए हैं तो वो वापस नहीं आए, तो मैं अंदर आपको दिखाऊँगा। हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आए बागसाई खजवा, जो कि यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। खजवा कस्बा तो यहीं पर पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, किसने इसको बनवाया था और कितना पुराना है, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। तो आपको यहाँ के पूरा व्यू दिखाएंगे, तो बस वीडियो पे एंड तक बने रहना। When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love to what we. तभी हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने के लिए। हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो चीज़ को देखने के लिए, जो कहते हैं एक रहस्यमय गुफा है, जो कि कहते हैं जो भी अंदर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कि वो कहाँ गाइज। अभी हम आ चुके हैं बागसाई के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुरानी इमारत यहाँ पर बनी है। काफ़ी ऐसा यहाँ पर लगता है जैसे वो औरंगजेब था, तो उसके जो पहरेदार थे मतलब यहीं पर बैठते होंगे। और इधर साइड आप लोगों को दिखा दूँ, और ये देखो मतलब बना है जैसे पूल, कोई नहाने के लिए होगा या फिर शायद यहाँ पर नील की खेती होती थी, तो उसको मतलब एकत्रित करने के लिए होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना है। और आज यहाँ पर कोई है भी नहीं कि जिससे हम पूछ सकें यहाँ के बारे में, और जितना वहाँ बाहर बोर्ड में लिखा था वही जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इधर साइड देख सकते हैं काफ़ी दूर तक मतलब पूरा ये फैला हुआ है, और इधर कितने सारे अभी पेड़ लग चुके हैं। मैं जो पिछली बार आया था इतना हरा भरा नहीं था, तो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। अभी के टाइम जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर घूमने के लिए। मैंने वहाँ का आप लोगों को व्यू दिखाया था, अभी मैं जा रहा हूँ और आगे। और इधर साइड आप देख सकते हैं पूरी खेती है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम नील की खेती हुआ करती थी, जो हम कपड़ों में नील नहीं करते हैं उसी की खेती हुआ करती थी। और यहाँ पर इस प्रकार से देखो जगह जगह इस प्रकार से बने, काफ़ी सुंदर लगता है। पहले आपको यहीं से चलता हूँ, उधर साइड अभी नहीं चलता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, और इसका पत्थर देख सकते हैं कितना मजबूत है, और सारा पत्थर से ही बना है। मतलब पुराने के टाइम आप लोगों ने अगर कहीं गए होंगे तो देखा होगा, मतलब पत्थरों से ही ज़्यादा बनता था। और अभी आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। काफ़ी मतलब काफ़ी एरिया देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ से पूरा आप देख पाएंगे जहाँ वहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मतलब पूरा ये इसी का एरिया है, मतलब बागसाई का ही एरिया है। और अभी मैं आ चुका हूँ इसके आखिरी पड़ाव पर, मतलब अभी मैं आया हूँ वहाँ से, देख सकते हैं वहाँ वो काफ़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर तो होगा ही। अभी हम आ चुके हैं उसी रहस्यमय सुरंग के पास, देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट लगा है और ताला लगा है। ऐसा मानना है कि ये सुरंग सीधा दिल्ली तक गई है, और आज तक जो कोई भी इसके अंदर जाता है तो वापस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई सुरंग नहीं है। काफ़ी यूट्यूबर यहाँ पर आकर वीडियो बनाते हैं कि हाँ यही वही रहस्यमय सुरंग है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कोई सुरंग नहीं है। इसके पीछे आप लोगों को कुआं मिलेगा, और यहाँ पर गेट इसलिए लगा है क्योंकि अगर कोई देखने आएगा जैसे यहाँ पर, तो अंदर अगर देखने लगा कुआं काफ़ी गहरा है, अगर गिर गया तो कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर गेट लगा है और ताला लगा है। आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और यहीं से मतलब बाहर से देखते हैं ताला लगा है, और काफ़ी यूट्यूबर भी बताते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद यहीं से सुरंग होगी। मैं आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी बता दी कि तो यहाँ पर अभी हमें बाबा मिले हैं, तो बाबा यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मतलब बाबा इसको किसने बनवाया था, मतलब ये तो पुरानी चीजें हैं, ये औरंगजेब जमाने की बनी हुई है। पर मतलब वो कहते हैं एक रहस्यमय सुरंग है, वो कहाँ पर है? वो सुरंग इस जगह नीचे से एक मुहार बना। अच्छा, तो उसी जगह सुरंग का वो मुहार इधर से कटाव से बनी हुई है सुरंग, धस गो ट्रक निकालने के बाद वो सड़क धस लोड ट्रक के लग गई। और जबकि निकल जाने के बाद वो सुरंग जब धंसी तो का नाम तो उसमें से चाहे घोड़सवार नहीं कुछ भी
चढ़े जा चले जा मार्शल भी गाड़ी आपकी सीधे चढ़ी एकदम चली जाएगी ऐसी बनी है। ये आँखों की देखी बात क्या था सुरंग में काफी लोग गए हैं मतलब वापस नहीं है भाई। ये तो भाई जमाने की तो बात है। हम जा रहे हैं वही रहस्यमय सुरंग देखने के लिए। बाबा ने बताया कि नीचे है मतलब काफी लोग बताते हैं कि वो जो कुआं मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मतलब वहाँ पर सुरंग है बट वहाँ पर नहीं है। बाबा ने बताया कि मतलब इधर साइड है। तो जब आप लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे और यहाँ से ये बाहर है तो आइए देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं उसी रहस्यमय सुरंग के पास। ये उसका दरवाज़ा है। काफ़ी लोग मतलब बनाते हैं वहाँ का वीडियो, मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूबर आते हैं तो वो जो सुरंग मैंने आपको कुआं दिखाया था वहाँ का वीडियो बनाते हैं कि यही रहस्यमय वो सुरंग है तो वो नहीं है। असली गेट यहाँ पे है और ये सुरंग का गेट है और यहाँ से ये सुरंग दिल्ली तक गई थी। काफ़ी लोग इसके अंदर गए हैं तो वो वापस नहीं आए तो मैं अंदर आपको दिखाऊँगा देख सकते हैं। तो अभी अभी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो मैं बाहर आके आप लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी देता हूँ। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने प्रयास किया जाने के लिए इसलिए यहाँ का गेट बंद कर दिया गया क्योंकि जो भी लोग यहाँ से गए वो वापस नहीं आए तो इसलिए यहाँ का गेट बंद कर दिया गया है। इसको औरंगजेब ने बनवाया था और काफ़ी ऐतिहासिक ये सुरंग है और ये सीधा दिल्ली तक गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ट्रैवलिंग वीडियो बनाते रहते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत।